बाल कांड के आरोपी संजय रॉय को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। सीबीआई हिरासत में संजय रॉय से लंबी पूछताछ की गई। सीबीआई इस रेप और हत्या के तह तक जाने के लिए बड़े पैमाने पर छानबीन में जुटी है। वहीं अब संजय रॉय समेत कई लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी की जा रही है। इस बीच सीबीआई ने संजय रॉय की वारदात वाले दिन की एक तस्वीर जारी की है। बता दें कि इस तस्वीर में वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान उसने ब्लूटूथ ईयरफोन लगा रखा है। गौरतलब है कि कोलकाता पुलिस ने भी इस घटना के बाद ये दावा किया था कि सेमिनार हॉल से एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। बता दें कि ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप मर्डर के आरोपी संजय रॉय को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक वारदात वाली रात सीसीटीवी फुटेज में संजय रात को 1:03 पर अस्पताल के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसी भी जानकारी सामने आई थी कि संजय रॉय अस्पताल जाने से पहले कोलकाता में रेड लाइट एरिया में भी गया था। बता दें कि इस बीच आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी टेस्ट किया गया था, जिसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। वहीं उसके फोन में भी कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं, जिसमें हिंसक फोन वीडियो भी शामिल है। वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि आरोपी संजय सटायरासिस हाइपर सेक्सुअलिटी से ग्रसित था। वहीं उसके दोस्तों ने भी उसे लेकर चौंकाने वाली बातें बताई थी। आप संजय राय को कब से जानते हैं? संजय राय को तो हम 26 ईयर हो गया जानता है। जान मेरा किस तरीके का उसका व्यवहार था? सर वो बंदा पहले बहुत अच्छा था जब छोटा था, ठीक है। वो जब से ड्रिंक करने लगा तो वो बंदा फिर वो मतलब उसका नेचर बहुत छोटे से गलत था, नेचर बहुत गलत था, ठीक है। तो वो पीजी में भी अपने एक टाइम पोस्टिंग लिया हुआ था, पीजी में भी वो मतलब मैंने उसको देखा, मैं वो अपने न्यूरो मेडिसिन वार्ड है वहाँ खड़ा होके पेशेंट रुकाते थे, ठीक है सर। तो पता नहीं मेरे को यहाँ उसको शिफ्टिंग मिला था या कि नहीं सिविक वॉलेंटियर का। फिर मेरे को पता चला ये केस वो जो अपना मेडिकल आरजीकल वाला, तो बोला वो वहाँ जो किया ऐसा है वहाँ का सिविक वॉलेंटियर था। तो ये क्या पुलिस का रौब भी दिखाता था कि मैं इस तरीके का रौब नहीं, नहीं। यहाँ पर तो ऐसा वो उसका कोई रौब नहीं दिखाता था, क्योंकि यहाँ उसका नहीं चलता था। यहाँ वो जिससे गलत बात करता था वो मारता था। शराब अक्सर पीता था और आप कह रहे थे कि रेड लाइट एरिया में भी अक्सर एवरीडे 24 आवर्स पड़ा रहता था वो रेड लाइट एरिया में। यस सर। आप बता रहे हैं कि उसके फोटो दिखाने से लोग आप अभी थोड़ी देर पहले हाँ जी सर वो जो रेड लाइट एरिया है चेतला वहाँ उसको बहुत कोई पहचानते हैं, क्योंकि वहाँ उसका अड्डा है, वहाँ अड्डा वो बहुत गलत नेचर का सर। अरे शराब पीने के बाद क्या वो छेड़छाड़ करता था? हाँ शराब पीने के बाद तो वो किसी की मतलब एक ये हरीश मुखर्जी रोड है अपना, तो मतलब एक साइकेडिस्ट प्रॉब्लम लड़की है, मतलब घर से उन लोगों को निकाला गया है ब्याला से, ठीक है ना। तो वो उसको भी वो पागल लड़की को भी नहीं छोड़ने मांगता था, उसके लिए भी मैंने मारा उसको एक बार। अच्छा राह चलते